चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हेडिंग डालेंगे टीथ। हम लोग को आज टॉपिक पढ़ना है अपना दांत के बारे में, यानी कि टीथ के बारे में। ठीक है, दांत। अच्छा, दांत की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य में कितने तरह के दांत होते हैं? पढ़े होइएगा दांत के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। कौन कौन? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में चार प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में चार प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर में आई, दूसरे नंबर में सी, तीसरे नंबर में पी एम और चौथे नंबर में एम। अब देखिए, आई का मतलब होता है बाबू इंसीजर। इंसीजर आपको याद रखना है, आई सी पी एम और एम, चार प्रकार का दांत होता है। कौन कौन? आई सी पी एम और एम। ठीक है, अब उसमें आई बोलने का मतलब क्या हुआ? इंसीजर्स, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर। तो दांत चार प्रकार का है। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक। केनाइन मतलब रदनक, कृंतक रदनक। प्रीमोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र अग्रचोर्णक। और मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? चोर्णक। तो क्या बताया गया इसमें? जैसे मनुष्य में चार प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। हो गया, इसको नोट कर लेंगे। कर लिए। अच्छा, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए बाबू। दांत चार प्रकार का होता है मनुष्य में। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। अच्छा, अब यहाँ हम लोग को देखना है हमारे दांत की जो उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले दांत का कार्य क्या है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ टीथ क्या है जी दांत का? सर, भोजन को कुतरना, भोजन को काटना और भोजन को चबाना। ठीक है, भोजन को काटना और भोजन को चबाना या पीसना। मस्टिकेशन का काम होता है या चीविंग का काम रहता है, चबाने का, मास्टिकेशन मतलब पीसने का, या फिर कुतरने का। ठीक है, कटिंग, कटिंग करने का, टू कट। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, पहले तो सबसे पहले दांत की हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुआ है? ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी दांत की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिएगा आप। और दांत की उत्पत्ति देखिए, इसमें तीन लेयर होता है, जनन लेयर जिसको कहा जाता है। जनन लेयर जो है ये कितने तरह का होता है? तीन होता है, तीन जनन लेयर होता है।
इक्टोडर्म, तीन को जनन लेयर बना दिए यहां, तीन जनन लेयर, ये हो गया इक्टोडर्म, इसको बोलेंगे मेजोडर्म, और सबसे अंतिम वाले को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है। क्या बोला गया है, टोटल जनन लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू जर्मिनल लेयर, क्या बोलिएगा जी, जर्मिनल लेयर बोलेंगे इसको। जर्मिनल लेयर का मतलब क्या होता है, जनन स्तर, जनन स्तर तीन तरह का होता है, पहला वाला इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मेजो डर्म और इंडो डर्म, ठीक है। तो चार जनन स्तर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले जनन परत जो ये तीन है, हमारे शरीर के जितना भी हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ है, जैसे जब कोई भी बच्चा माता के गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है तो पहले महीने के अंत में उस बच्चे के हृदय का निर्माण होता है, यानी हार्ट बनता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है जी, हार्ट का निर्माण होता है, यानी हृदय निकलता है। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की हाथ और पैर की उंगलियों का निर्माण होता है, फिर उसके बाद बच्चों के शरीर पे छोटे छोटे बाल आते हैं, फिर उसके बाद बच्चों के शरीर, बच्चों का मूवमेंट, गति, धीरे धीरे बच्चा अब चलना शुरू कर देता है माता के गर्भाशय के अंदर, तब उसके बाद जो है आँख के पुतलियों का निर्माण होता है, ठीक है, और मुख्य अंग भी उसके बन जाते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों में विकास होता है। तो आप पढ़े हैं जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है समय के साथ में बच्चों का डेवलपमेंट होते रहता है, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि बच्चों के शरीर के अंदर अलग अलग अंगों का जो निर्माण हो रहा है, किडनी का निर्माण, हार्ट का निर्माण, ठीक है, लीवर का निर्माण, ये सब किसके द्वारा होता है, तो सर सब के सब निर्माण जर्मिनल लेयर के द्वारा यानी जनन परत के द्वारा होता है। और जनन परत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, सबसे बाहरी लेयर को इक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले लेयर को मेजोडर्म कहते हैं, और सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्म कहते हैं। तो तीन लेयर होता है टोटल ये जनन परत का, ठीक है। अच्छा अब इसमें से अगर कोई पूछे कि दांत की उत्पत्ति कौन सा लेयर से हुआ है, तो दांत की उत्पत्ति जो हुई है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म और मेजोडर्म दोनों के मिलने से हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, इक्टोमेजोडर्मल, इक्टोमेजोडर्मल ऑरिजिन, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इक्टो और मेजोडर्म के मिलने से। बात समझ में आ गया। तो दांत की उत्पत्ति अगर कोई पूछेगा कौन से जनन परत के द्वारा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, सर एक्टोडर्म और मेजोडर्म, यानी एक्टो मेजोडर्मल, एक्टो मेजोडर्मल से इसकी उत्पत्ति हुई है, एक्टो मेजोडर्मल से उत्पत्ति हुई है। तो इक्टो मेजोडर्मल मतलब क्या हुआ सर, इक्टोडर्म का मतलब होता है बाह्य जनन परत, और मेजोडर्म का मतलब क्या हुआ, मध्य जनन परत, और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछता जाए इंडोडर्म का मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलिएगा, अंतः जनन परत। बस समझ में आया, इक्टोडर्म को हिंदी में कहते हैं बाह्य जनन परत, ये बाह्य जनन परत हो गया। मेजोडर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य जनन परत, ठीक है, मध्य जनन परत, ये हो गया मध्य जनन परत। और इंडोडर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः जनन परत, ठीक है, अंतः जनन परत। तो जनन परत इस प्रकार से तीन होते हैं। तो अभी हम लोग खैर दांत के बारे में पढ़ना है, तो बाकी अलग अलग अंगों के बारे में सिलेबस में पढ़ा जाएगा, तो वहां पे कैसे उत्पत्ति हुआ है वो सब हम आप लोग को लिखवा देंगे, हमारे शरीर का कौन कौन से अंगों का विकास कौन से जनन परत के द्वारा हुआ है वहां हम लोग सब कुछ लिख लिया जाएगा। अभी यहाँ बस आपको याद रखना है कि दांत की उत्पत्ति कौन से जनन परत के द्वारा हुआ है सर, इक्टो मेजोडर्म से, यानी इक्टोडर्म और मेजोडर्म के मिलने से हुआ है, हो जाएगा। चलिए तो इसको एक बार आप उतार लेंगे,
हो गया। अब आगे बढ़े। चलिए तो अभी इसको हटाया जा सकता है। बस ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए चीजें लिखवाया गया है। ये सब चीजें समझाने के लिए लिखवाया गया है ताकि आपको रटना नहीं पड़े, याद हो जाए आसानी से कि दांत की उत्पत्ति इक्टोडर्म और मेसोडर्म के मिलने से हुआ है। ठीक है। अब भाई ये दांत हम लोग जो देख रहे थे चार प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब चारों प्रकार के दांत में हो गया है सबका। अच्छा मान लीजिए कि दांत जो है हमारा चार प्रकार का जो है, टीथ कौन कौन, आई सी पी एम और एम, यही है ना हमारा दांत। तो दांत का सबका फंक्शन भी अलग अलग है। फंक्शन मतलब क्या होगा बाबू, कार्य, इनका कार्य भी अलग अलग है। टू कट यानी कि काटने का, इंसीजर का काम क्या होता है, इंसीजर आई, देखिए शॉर्ट में आप याद रखिएगा तो आपसे आपको बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए हम शॉर्ट में याद करवा रहे हैं, आई सी पी एम और एम। ठीक है, हिंदी में आप लोग कृंतक, रदनक, अग्र चोड़नक और चोड़नक ऐसे याद रखिएगा। हिंदी में क्या याद रखना है, कृंतक, रदनक, अग्र चोड़नक और चोड़नक। ठीक है। अब हम लोग चूंकि ये तब मजा देगा जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आप में कितना दांत है, तो आपको मालूम ही नहीं है कि मेरे में कितना दांत है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए चलिए आपके आपके शरीर में कितना टोटल प्री मोलर है, अभी सारे चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चा से पूछ दिया जाए कि आप में टोटल प्री मोलर की संख्या, तो शायद आप नहीं बता पाए। मोलर की संख्या कुल कितने मोलर आपके आपके माउथ में है, टीथ के सेट में है टोटल, आपके आप जिस उम्र में है उसमें दांत टोटल कितना है, बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग समझा जाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट में ये बातें याद रखिएगा कि दांत चार प्रकार का है, आई सी पी एम और एम, यानी कौन कौन बोलिए, इंसीजर। अरे बोलिए भाई, खाना नहीं खाए क्या आज? ओ नहीं खाए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। थोड़ा बोला करिए, उधर देख रहे हैं कि भंगुआ रहे हैं जी, का है टाइट बैठे तो एकदम लगे जवान के तरह, अभी लुढ़क जा रहे हैं, बताइए पूरा जवानी बाकी है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अब बताइए इसका कार्य बताइए। तो इंसीजर का काम होता है सर टू कटिंग, एंड टू कट मतलब काटने का। केनाइन का काम क्या होता है, ये साइड में जो दांत देखे है ना, साइड में, ये नीचे में भी या ऊपर में भी, तो जो केनाइन है ये धीरे धीरे हम लोग इसको नुकीला बना लिए हैं, मीट वोट खाते रहते हैं, खींचते रहते हैं। ठीक है। काटना होता है तो आप बीच में इंसीजर का यूज करते हैं, ये बीच वाला इंसीजर।
इंसीजर के जस्ट बगल में केनाइन है जो नुकीला दांत है आपका, तो उसका काम क्या होता है, टू टीयरिंग, टीयर फाड़ने का, ठीक है। अच्छा प्रीमोलर का काम बताइए, फाड़ने का, प्रीमोलर मस्टिकेशन, मस्टिकेट, मस्टिकेट मतलब होता है पीसना, मस्टिकेट पीसना, और चीविंग, चीविंग मतलब चबाना, चबाने में मदद करता है और पीसने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा सेम काम जो है ये मोलर वाले का भी सेम काम होता है, तो उसको भी लिख दे क्या पूरा, मस्टिकेशन, मस्टिकेशन मतलब पीसना होगा या चीविंग मतलब चबाना, मस्टिकेट यानी पीसना। चलिए उतारिए तो अभी इसको, देख लिए। हाँ जी TEAR, टीयरिंग, टीयरिंग कर लीजिए, टीयरिंग फाड़ना, हो गया। वही हुआ मस्टिकेट करना या मस्टिकेशन, एक ही बात है, ठीक है। मस्टिकेट या मस्टिकेशन कोई दिक्कत नहीं उससे। हो गया। चलिए तो ये कार्य था छोटा छोटा जो काम है अलग अलग दांतों का, कुछ दांत काटने का काम करता है, कुछ फाड़ने का काम करता है, कुछ जो है पीसने का और चबाने का काम करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आ रहे हैं, पहले हम अपने टीथ को काउंट करेंगे, हमारे माउथ में कितना कितना दांत है पहले उस दांत का काउंट किया जाएगा। अगर हमारा उम्र 17 साल का है तो हमारे में कितना दांत होगा, अगर हमारा उम्र हम बच्चा हैं तो कितना उम्र होगा, कितना टीथ होगा, या अगर कोई 18 प्लस का है तो उसमें कितना तीत होगा और कौन कौन तीत कितना होगा, उस सभी के बारे में हम लोग यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटाया जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं, स्टार पॉइंट देंगे और लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला। क्या लिखना है जी? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है बाबू दांत सूत्र। क्या लिखेंगे? दांत सूत्र लिखेंगे इसको। अच्छा दांत सूत्र में क्या होता है, तो डेंटल फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले पहला नंबर में किसमें जी, पहले इन चाइल्ड, पहले हम बच्चों का दांत से शुरू करते हैं, इन चाइल्ड यानी कि बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं, अब ऐसे बच्चे नहीं जिनका बेचारे का अभी दांतवे नहीं निकला है, अब उस बच्चा का दांत का बात नहीं करेंगे, उसमें दांते नहीं निकला है अभी, तो उसका बात नहीं करना है, हम बच्चा से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसका दांत, जिस बच्चे का दांत आ गया हो
ठीक है। अच्छा अब आइए, मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले चाइल्ड की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे में डेंटल फॉर्मूला जो होता है, डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है दांत सूत्र। पहले बोर्ड पे देखेंगे एकदम ध्यान से, नहीं तो बाद में लगिएगा पूछने की सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। पहले एक बार ध्यान से देखिए, दांत सूत्र जो होता है बच्चों का, चाइल्ड का दांत सूत्र जो होता है 2102/2102। बच्चे का दांत सूत्र जो है 2102/2102। अब पहले ध्यान से सुनिएगा 2102 क्या है और ये कैसे हो रहा है। तो देखिए हमारा जो दांत है ना, ये दो सेट में होता है, शायद आपको पता चल रहा होगा कि आगे का जो दो गो फ्रंट का दांत है, ये दोनों दांत बिल्कुल सेम सेम है, ये बिल्कुल सेम सेम है। तो यहाँ से आधा भाग इधर बांट दीजिए और आधा भाग दूसरे तरफ में बांट देंगे। बात समझ में आया? मतलब कि आपके दांत में एक साइड का ये पार्ट हो गया और दूसरे साइड का ये पार्ट हो गया। बात समझ में आया? मतलब 2102 बच्चा का ही बात कर रहे हैं, तो 2102 एक साइड, फिर इधर भी 2102, देखिए एक साइड 2102 इधर भी 2102, फिर नीचे भी नीचे भी वैसा ही होगा 2102 इधर 2102। बात समझ में आया? तो ये एकदम बराबर में आप जब बांटिएगा तो ऊपर में भी दो दो सेट में हो रहा है कि नहीं, तो ऊपर में जितना है उतना ही इसके नीचे भी है, और फिर इधर जितना है उतना ही इधर नीचे भी है। नाक के पास से मानिए ना दो भाग में बांट देना है। बस समझ में आ गया? नाक के पास से दो भागों में बांट देना है। तो अब आप बताइए, दो एगो, तीन गो दो, पांच गो, चलिए बहुत बढ़िया, इतना तो आता है आप लोगों को, खुशी की बात है। अच्छा दो एगो, तीन गो, फिर दो, पांच गो, काट कूट के जीरो मत कर दीजिएगा एक, ठीक है। तो अब देखिए पांच दांत यानी ऊपर, पांच दांत नीचे, तो 5/5 आप किए हैं ना जी, तो पांच दांत ऊपर और पांच दांत, मतलब पांच दांत एक साइड में ऊपर है और पांच दांत नीचे है, तो इधर भी तो पांच दांत ऊपर और पांच दांत नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हो गया सर 5/5 ये एक साइड का आप लिए हैं, अभी एक साइड का और है, तो यानी कि ये दो गो सेट में है ना, तो इंटू टू कर देंगे। बस समझ में आया? मैंने एक साइड का आपका दांत जो है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बोलिए बीच में, नहीं तो बोलिएगा तो फिर सबको डिस्टर्ब होगा, आप चुपचाप भी तो समझ सकते हैं, बड़ी बोल रहे हैं जी, अब आसपास के सब बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा है, ये लड़की सब वाला आदत कहाँ, औरत वाला आदत कहाँ से सीख ली है? अब सुनिएगा, इधर देखिए, अब सुनिएगा, तो लड़की वाला नहीं, औरत वाला, औरत लोग ना ज़्यादा बोलती है। अब देखिए बात सुनिएगा, कहने का मतलब है ऊपर का एक साइड का आपने जो दांत का 2102 और नीचे का 2102, इस साइड भी 2102 और 2102, तो आप इतना बटा इतना ना लिखे हैं जी, तो डेंटल फॉर्मूला आपका 2102/2102 एक साइड का बता रहा है, नाक के आधा का, एक साइड का भी आपका बाकी है, इसलिए इंटू टू कर दिए। तो 5/5 मतलब कै गो दांत हुआ, 5 गो ऊपर और 5 गो नीचे, एक मत कर दीजिएगा, इसका मतलब यह है कि 5 ऊपर और 5 नीचे, 5 5 10 और 10 आई इंटू एक तरफ, 10 गो तो और ना है, तो इसलिए 10 दुना 20, तो बच्चा में टोटल 20 गो तीत होता है। किसी मैथ वाले लोग को मत दिखाइएगा, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, पागल हो जाएगा लोग, ऐसे कैसे पढ़ लिया, ऐसे होता है, गलत हो गया, तो गलत पढ़ लिया। और कहीं ऐसा ना हो कि आप ही लोग अभी ध्यान से सुन लीजिए ना, तो ऐसा ना हो कि आप खुद ही कभी नोट्स पढ़ रहे हो तो बोल रहे हो लग रहा है मास्टरवा गलती लिखवा दिया है का, ये तो सब एक हो जाएगा, ये 20 कहाँ से आएगा, 1 × 2 = 2 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102, तो यानी कि 5 ऊपर 5 नीचे, तो इधर भी तो 5 ऊपर और 5 नीचे है, तो 5 5 10 आई इंटू टू, मैंने 10 × 20 यानी 5 5 10, एक साइड का 10 आई एक साइड का भी 10, तो 10 10 20 यानी बच्चा में 20 दांत होगा। चलिए ये तो समझ गए कि सर बच्चा में 20 गो दांत होगा, लेकिन अब सबसे बड़ा बात आप ये हमको बताइए, बच्चा में जो 20 गो दांत हुआ आप बोले हैं, ये 20 दांत में इंसीजर का संख्या कितना है, केनाइन का संख्या कितना है, प्रीमोलर का संख्या कितना होगा और मोलर का संख्या कितना होगा, ये ना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, ये तो कोई भी बता सकता है,
नहीं डेंटल फॉर्मूला आप बताते तो भी हम लोग बच्चा का जाके किसी को पकड़ते गिन ओन लेते 20 वो दांत था, लेकिन उसमें ये पता कैसे चलेगा कि इंसीजर कितना है, प्री मोलर कितना है, मोलर कितना है? तब आइए सबसे पहले इसके लिए कुछ नहीं करना है बाबू, आपने जो डेंटल फॉर्मूला याद रखा है बस बच्चा का डेंटल फॉर्मूला क्या है 2102/2102, अब उसके ऊपर में छोटा सा आप लिख दीजिएगा आई सी पी एम और एम सबके सामने, समझ में आया? सबके सामने क्या करिएगा सर? आई सी पी एम और एम चारों के सामने लिख देंगे। अब गिन लीजिए कै गो है इंसीजर, तो सर इंसीजर दो गो ऊपर और दो गो नीचे, तो चारे गो थोड़े है, एक साइड और ना होता है, अभी बताएं आपको। तो सर इसका मतलब दो ऊपर दो नीचे इंटू टू, बस समझ में आया? तो सर दो गो चार गो आ चार दूना आठ, तो ये मैथ भी किसी मैथ वाला बच्चा को ये मैथ कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, ठीक है? कहे कि ये कुछ अलग प्रकार का मैथ है, ये आप ही सिर्फ समझ सकते हैं, बस समझ में आया ना? दो ऊपर है दो नीचे, तो दो दो चार, तो एक साइड और भी ना चार होगा जी, तो इसलिए इंटू टू कर दिए हैं, तो दो दो चार आ चार आठ हो गया। अच्छा केनाइन का संख्या बताइए, एक बटा एक है इंटू टू, मैंने सर एक ऊपर एक नीचे दो गो एक साइड और दो होगा यानी चार। प्रीमोलर का संख्या बताइए जीरो, सही में? अच्छा तो इसका मतलब बच्चे में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो ये बात याद रखिएगा बाबू, बच्चे में अनुपस्थित जो होता है दांत वो होता है प्रीमोलर, पीएम यानी प्रीमोलर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो क्या बोलिएगा? प्रीमोलर बच्चे में अनुपस्थित होता है यानी नहीं पाया जाता है, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे मोलर का, तो मोलर बताइए कितना है सर? मोलर है सर ऊपर दो नीचे दो, ऊपर दो नीचे दो आई इंटू दो, ठीक है? तो कितना हो गया? दो दो चार यानी दो और दो चार, और दो काहे मुस्कुरा रहे हैं जी? दो और दो चार, ऊपर का दो नीचे दो दो चार, चार दूना आठ। कैलकुलेशन देख के कंफ्यूजन में लग रहा है लड़का मैथ वाला है का? ए भाई मैथ वाले कोई नहीं ना बैठे हैं, ये तो कहीं सोच रहे होंगे कि चलिए आज टरैया मारते हैं बायोलॉजी पढ़ के, तो यहाँ का दुनिया कुछ अलग दिखेगा मैथ वाला और उधर का दुनिया कुछ अलग है ना। चलिए लिख लिए इसको। अच्छा अब आप लोग को एक बार अब सुनिएगा, एक बार जोड़ लीजिए ना कि टोटल 20 को दांत हो रहा है कि नहीं, आठ चार बारह आठ 20 होता है ना, चलिए तब तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 को दांत बच्चा में था, 20 को में कौन इंसीजर कितना केनाइन कितना प्रीमोलर कितना मोलर होगा इससे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है? चलिए हाँ जी मैंने अभी लिखवाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, मतलब कितने साल का बच्चा होगा ये सब हम बताएंगे, अभी बताएंगे, घबराइए नहीं।
अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं फिर दूसरे नंबर में, 17 ईयर्स ओल्ड यानी 17 वर्ष में। अब 17 वर्ष वाले में आते हैं तो 17 वर्ष का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, 17 वर्ष वाले में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो है 2122/2122। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बच्चा में क्या था जी, 2102/2102। 16 वर्ष तक वहीं अप्लाई करिएगा, 17वां वर्ष से स्टार्ट कर दीजिएगा 2122/2122। हाँ वही 2102/2102, हाँ समझ रहे हैं। अब उसके बाद 17 वर्ष से आप शुरू कर दीजिएगा 2122। अरे भाई 16 वर्ष तक आपका 16 वर्ष तक इतना दांत नहीं आया रहेगा, अगर नहीं आया रहेगा तो डेंटल फॉर्मूला यही रहेगा, अगर आ गया तो डेंटल फॉर्मूला बदलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें 17 वर्ष के अप्रोक्स का लगभग बता रहा है कि दांत सूत्र का जो फॉर्मूला होगा 2122/2122। तो अब देखिए तो कितना दांत होगा, अब पहले तो आपको समझा चुके हैं, अब उसके आधार पर आपको बताना है। अभी मत लिखिए बाबू, एकदम मत लिखिए, पहले समझ लीजिए। अब बोलना है इसमें, आप ही लोग को बोलना है। बोलिए क्या होगा सर, ऊपर दो नीचे दो, सॉरी दो, पहले जोड़ लीजिए पूरे को, 2 1 3, 3 2 5 2, 7 ऊपर 7 नीचे इंटू 2, बस समझ में, 7 7 14 14 2 28 यानी 17 वर्ष के उम्र में कितना दांत रहता है 28 दांत। आप लोग 17 वर्ष के हो गए हैं लगभग, 28 को दांत आप लोगों में आ गया है तो बताएंगे आगे अभी जस्ट, तब देखिएगा। अब सुनिएगा, तो डेंटल फॉर्मूला यानी दांत सूत्र जो है, या दंत सूत्र इसी को कहते हैं, दंत सूत्र 17 वर्ष की उम्र में 2122/2122 होता है, तो टोटल दांत कितना हो गया 28 को दांत हुआ। अच्छा, अगर इससे आपको बोला जाए कि आप बताइए इंसीजर कितना है, केनाइन कितना है, प्री मोलर कितना है और मोलर कितना है, इसका पूरा संख्या आपको बताना है, तो कैसे बताइए सर। इसमें इंसीजर बताएंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे 2/2 इंटू 2 8, केनाइन अब तो सीधे लिख सकते हैं सर, 1 1 2 आई एक साइड और 2 तो 4 हो गया, प्री मोलर सर 2 2 4 एक साइड और 4 तो 8 हो गया। अरे सब लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा ऊपर भी 2 नीचे 2 2 2 4 आई इंटू 2 8, तो कितना टोटल दांत हो गया 8 4 12 8 20 8 28, तो इस तरह से टोटल दांत कितना हो गया 28 दांत, सही है, इसका मतलब सही है, आपको समझ में आ गया, इधर दिक्कत नहीं ना है, कोई भी कष्ट हो तो कहिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू आपको जी, अकेले का है बैठे हैं, हाँ इसमें आ जाइए, आगे आ जाना चाहिए आप लोग को, जगह जब इधर है ही तो आदत बना लेते हैं आप लोग भी पिछवाड़ा बैठने का, हो गया। चलिए इसको अब फटाफट उतार लेंगे, यानी 17 वर्ष की उम्र में ये सब अलग अलग दांत आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 वर्ष के उम्र के लोगों में देखेंगे, मनुष्य में देखेंगे कितना दांत सूत्र होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर में 18 ईयर्स लिख लेना है, 2132 नहीं गलत हो गया, वो हम लिखवा रहे हैं, रुक जाइए आप, चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया सभी लोग का। अरे तो अब खुद से क्या ये रटना पड़ेगा क्या कि इंसीजर कितना है, प्रीमोलर
ये सब रटना नहीं पड़ेगा। ये क्या, बस अगर कोई भी पूछता है इंसीजर कितना है तो पूछिएगा कितना वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, डेंटल फॉर्मूला। 17 वर्ष की उम्र में सर 2122/2122, तो जैसे 2122 लिख दिए, लिख के उसके ऊपर में क्या लिख देना है, ICPM और M, बस समझ में आया। इसके ऊपर आपको बस ICPM और M लिख देना है, ताकि आप आसानी से बता दीजिएगा, बस इतना लिख के आप बता दीजिए। अब भाई ये 18 वर्ष की उम्र में तीसरे नंबर में 18 ईयर्स ओल्ड, यानी 18 वर्ष। अच्छा आप देखिए 18 इयर्स में यानी कि 18 वर्ष में अब डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालिएगा, यानी दांत सूत्र कैसे निकालेंगे। एक चीज देखिए, सबसे पहली बात कि सर 18 वर्ष में जो दांत सूत्र होगा डेंटल फॉर्मूला क्या क्या होगा जी, 18 वर्ष में क्या होगा, 2123/2123। ठीक है, 18 वर्ष में दांत सूत्र हो जाएगा 2123/2123, ये हो गया दांत सूत्र 18 वर्ष में 2123/2123। टोटल बताइए अब कितना दांत हो गया 18 वर्ष की उम्र में, कितना दांत आ जाएगा, तो 2 1 3 2 5 5 3 8 ऊपर, अच्छा 2 1 3 2 5 3 8 8 ऊपर 8 नीचे, अच्छा इंटू 2, तो 8 8 16 16 2 9 32, तो 32 को दांत निकल गया जी, पीछे पूछ रहे थे आप। चलिए 32 को दांत कब आएगा, तो 18 वर्ष की उम्र में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 18 वर्ष की उम्र में 32 को दांत आ गया तो अब हम लोग को इसमें निकालना है सर कितना इंसीजर होगा, कितना केनाइन होगा, कितना इंसीजर, कितना केनाइन, कितना प्रीमोलर और कितना मोलर, ये आपको निकालना है। बस ऊपर में पहले इसमें क्या लिख देंगे सर, ICPM और M लिख देंगे, ये सब निकालना होगा। तो ठीक है, अब इसका निकालिए। हो गया, हो जाएगा। बताइए अब इंसीजर का संख्या बताइए कितना होगा, 8 4 8 और 12 12 8 20 20 4 24 24 8 32। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 32 टीथ हो जाएगा। ठीक है, अब निकल जाएगा ना कोई भी डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए तो। चलिए अब जरा नीट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये बुक है आप लोग ले लीजिएगा, नीट का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, इसको खरीद लीजिएगा आप लोग, लगभग 300 के अप्रोक्स मिलेगा, नहीं अभी सब में यही चलेगा। अच्छा आप देखिए 18 वर्ष के बाद सब में यही चलेगा, 18 वर्ष एक मिनिमम एज हो गया, लेकिन अभी मत सोच लीजिएगा कि सर इसको 90-95 तक लेके चले जाएंगे का, तो 90-95 में दांतवे टूट गया रहता है, तो उस समय गिनने जाइएगा तो दांते नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी देखना है। अच्छा आप सुनिएगा, अब भाई पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। हाँ, इसमें से ये क्वेश्चन हट गया है, हालांकि ये आपके सिलेबस में से अब चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में 11th में पढ़ना था, लेकिन अब हट गया है, पर फिर भी आपको
एक बेसिक नॉलेज के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। अब भाई पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन फटाफट लगा लेते हैं। सिलेबस में जब हम आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के नीचे में जस्ट वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन सेट रहेगा, और क्वेश्चन आपका निकाल के और उतना बना लिया जाएगा। टॉपिक वाइज नीट का क्वेश्चन बनवा कर और फिर आप लोग के ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है, अब बेबी बॉय एक लड़का है जिसका उम्र है एज 2 ईयर, जिसका उम्र 2 वर्ष का है, उसको एक प्ले स्कूल में एडमिट किया गया है, एडमिटेड टू अ प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू अ डेंटल चेकअप, और उसे डेंटल चेकअप के लिए पास किया जाता है, भेजा जाता है, मतलब दांत के जांच के लिए उस बच्चे को भेजा जाता है जिसे क्रीड़ा स्कूल, प्ले स्कूल समझ रहे हैं ना, प्ले स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो क्रीड़ा स्कूल में तो कोई बड़ा बच्चा होगा नहीं, बस समझ में, छोटा ही बच्चा होगा। तो क्रीड़ा स्कूल है, तो क्रीड़ा स्कूल में मान लीजिए कि अब क्या होगा कि एक बेबी बॉय है जिसका एज 2 वर्ष का है और उसको प्ले स्कूल में एडमिट कराया गया है, और उस समय में उसको भेजा जा रहा है उसके डेंटल चेकअप के लिए, यानी दांत के जांच के लिए। तो डेंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जो दांत के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, तो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे में 20 टीथ है, यानी कि 20 दांत है, ये कैसे हो गया। तो बच्चे में सर 20 गो दांत होता ही, अब ये तो आप पढ़ाएं, तो 20 गो दांत है, तो पूछा गया है तो बताइए बच्चा में कौन सा दांत अनुपस्थित था, बोलिए सीधे। अरे पहला वाला जो हम बताए आपको, यही वाला तो क्वेश्चन है सर। बच्चा में जो था चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 होता है, इस कारण से 20 गो दांत तो होता ही, तो बात सही है, इसमें क्या घबराने की जरूरत है। तो बच्चा में 20 गो दांत होता है, जैसे ही 20 गो दांत बोला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि बच्चा है, मतलब उसका डेंटल फॉर्मूला 2102/2102, तो इसलिए 0 प्रीमोलर 0 होगा, प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, तो आंसर इसका प्रीमोलर हो जाएगा। ये नीट 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको बताना है। एडल्ट किसको कहा जाता है? वयस्क को, कितना वर्ष वाले को। तो भाई एडल्ट हम लोग बोलते हैं किसको? एडल्ट यानी इसी को वयस्क कहा जाता है, वयस्क। तो वयस्क जो होते हैं एडल्ट, वो 18 वर्ष वाले होते हैं, 18 प्लस वाले, ठीक है। तो उनमें पूछा हुआ डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? तो सर 2123/2123, बात समझ में आया। तो 18 वर्ष के ऊपर वाले का जो भी है सब में 2123/2123 होगा, तो यानी एडल्ट में 2123/2123 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, और भी क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा उसको आप बनाएंगे, एक बार देखेंगे, ठीक है। ग्रुप में सब लोग हैं इसमें से? नहीं जुड़े हुए हैं तो उधर स्कैनर बाहर लगा हुआ है, आप उसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है अपना विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, वहाँ ज्वाइन हो जाइए सभी कोई, और वहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन सब डाल दिया गया है, वहाँ पे ये सब टॉपिक जैसे जैसे आपका चल रहा है उसका क्वेश्चन जो है आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अब वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सब सॉल्व करते चलिए, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर सिलेबस आपका स्टार्ट होने वाला है अगले वीक से, यानी अगले सप्ताह से आपका सिलेबस शुरू होगा, सुन लीजिएगा बाबू 2 मिनट, सिलेबस आपका जैसे शुरू किया जाएगा तो सिलेबस में, सिलेबस का रूल क्या है, जैसे जैसे सिलेबस में स्टार्ट होने से पहले आपके पास में 2 गो बुक होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन बैंक एकदम होना चाहिए, और उससे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगाना है, नीट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और उसके बाद दूसरे नंबर में आपका NCERT का बुक होना चाहिए बाबू, ये 2 चीज़ें एकदम नेसेसरी है सिलेबस शुरू होने से पहले, ये आप खरीद के आएंगे। दूसरी बात, क्योंकि बुक चेक किया जाएगा, बुक जिनके पास नहीं होगा क्लास में एंट्री भी नहीं मिल सकती है। अच्छा उसके बाद सुनिए, जैसे जैसे आप सिलेबस, आप जैसे जैसे सिलेबस शुरू किया जाएगा जब पढ़ने लगिएगा, तो हम जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे रेगुलर, एक टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक के पढ़ाने के बाद हम आपको पहले उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे नीट का, वहीं पे टॉपिक खत्म हुआ
अब वहीं पर नीट का क्वेश्चन नीचे में सॉल्व, मतलब कि ऐसे साथे साथ आपका नीट का क्वेश्चन भी बनते चला जाएगा, तो आपके पास बुक रहेगा तब ना बनाइएगा। तो इसलिए सभी कोई बुक ले लीजिए। और खास बात क्या है कि जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद प्रत्येक चैप्टर में लगभग 250 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद 250 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा लास्ट में। जो 250 क्वेश्चन नीट वाला क्या करता है कि नीट वाला प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आप पढ़े तो मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन कहीं पूछेगा, मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको कितना प्रैक्टिस करा रहे हैं, 250। तो मेरे जो नोट जो सेट देंगे उससे बाहर एको क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस बार दावा किए थे हम एको क्वेश्चन मेरे नोट से नहीं है, अगर हो दिखा दीजिए मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसलिए अभी भी हम ये भी बात बोलेंगे कि जो सेट देंगे ना, तो नीट का एग्जाम होगा तो सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से होगा, एको को बाहर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन का एनसीईआरटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन वाइज में दे देंगे आप लोगों को सेट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए रेडी रहिए, अब सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। बाकी सभी बच्चों को बता दीजिए इधर उधर कहीं घूम के अपना समय बर्बाद नहीं करें, और जितना भी बेसिक जिनका भी छूटा हुआ है, आज बेसिक आपका 14वां टॉप लेक्चर है ना, ये 15 लेक्चर नंबर 15 है आज आप लोगों का, ठीक है। तो लेक्चर 15 जो है यहाँ तक आप लोग देख के कंप्लीट कर लें बेसिक अपना, ताकि जब सिलेबस पढ़ाया जाए वहाँ बढ़िया से समझ में आए। इसमें कितने लोगों का शुरू से छूटा हुआ है बेसिक, कितने लोग का छूटा हुआ है? आप कभी वीडियो नहीं देखे? अरे उसको देखिए वीडियो को एक बार, लास्ट में आप मिल लीजिएगा, हम बता देते हैं कैसे, मैंने यहीं पे देख लीजिए। अगर मोबाइल हो तो अभी निकालिए, उसमें सर्च करिए यूट्यूब पर, यूट्यूब पे सर्च करेंगे विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, चैनल का नाम है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, सर्च करिए। और सर्च करने के बाद आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, कहाँ जाना है जी, प्ले लिस्ट में। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ देखिए सबसे पहला नंबर प्ले लिस्ट दिया होगा बेसिक बायोलॉजी, देखिए दिया होगा बेसिक बायोलॉजी, एकदम जरूरी है बेसिक बायोलॉजी। जब तक नहीं देखिएगा सिलेबस पढ़िएगा मजा नहीं आएगा। तो सिलेबस में आप चाहते हैं कि मजा आए तो उसके लिए पहले बेसिक बायोलॉजी पढ़ के रेडी रहिए, ताकि टेस्ट जब लें तो उसमें अच्छा मार्क्स आपका आ सके, ठीक है। अच्छा, जितना बेसिक अभी तक पढ़ाए हुए हैं उसका टेस्ट होगा पहले, तब सिलेबस शुरू करेंगे। तो टेस्ट में देखना है कि किसका अच्छा मार्क्स आएगा, टेस्ट में जो रिजल्ट होगा वो पूरे ओवरऑल बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग का मिला के तब मार्क्स आपको पता चलेगा, यानी कि ओवरऑल बैच में आप कितना स्थान पर हैं ये आपको सीधे दिख जाएगा। बाहर ही सब पेज चिपका दिया जाएगा, सब कुछ लग जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, तब हम लोग सिलेबस जो है शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। ओके, थैंक यू।